लॉकडाउन में 25 अप्रैल तक तौसी, चीफ सेक्रेटरी की ज़ेरे सदारत इजलास में निस्बतन महफूज सनअतें फौरी खोलने का फैसला। केमिकल्स इंडस्ट्री, आईटी कंपनीज, पेपर एंड पैकेजिंग, शोबा मादनियात, तामीरात को काम की इजाज़त। ईंटों के भट्टे, इलेक्ट्रीशियन, दर्जी, प्लम्बर, कारपेंटर्स की दुकानें, रियल इस्टेट का कारोबार, जानवरों के अस्पताल और पौधों की नर्सरियाँ भी आज से बहाल। काम की जगहों पर कोरोना के खिलाफ हिफाजत इकदाम लाजमी करार। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा और अवामी मकामात बंद रहेंगे। शादी हॉल्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल समेत हर तरह के फन गाला पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट, जिम्स, स्नूकर क्लब्स भी बंद रहेंगे। इम्तिहानात और दीनी मदारिस में तदरीस मुअत्तल रहेगी। लॉकडाउन में मजीद नरमी, लो रिस्क कारोबार खुलने से शहर में जिंदगी वापस लौट आई। तामीराती इंडस्ट्री से वाबस्ता सीमेंट, बजरी, रेत, सरिया, मार्बल, हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक की दुकानें खुल गईं। कई मकामात पर नरमी की आड़ में हाई रिस्क कारोबार भी खुल गए। हजामों और ब्यूटी पार्लर्स के बगैर इजाजत कारोबार से वायरस फैलने का खदशा। कैम्प जेल में खतरे की घंटी बज उठी। वायरस में मुब्तला 37 कैदियों का दूसरा टेस्ट भी मनफी आने का इंकशाफ। मजीद 22 कैदियों के सैंपल रिपोर्ट के लिए भिजवा दिए गए। जेलों में बढ़ते केसेस तशवीशनाक। पंजाब हुकूमत को हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादल जगहों की तलाश। सब जेल के लिए लाहौर के दो मकामात समेत 40 प्वाइंट की निशानदही। तामीराती सेक्टर के आगाज पर दिहाड़ीदारों को मुश्किलात। इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर ना खुलने के सबब बेशतर मजदूरों को काम की तलाश। मुतासरा मजदूर ताहाल हुकूमती इमदाद से महरूम। पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए रिलीफ पैकेज पर गौर। बिजली, गैस बिलों में रियायत, अशिया जरूरिया की कम नरखों पर घरों तक फराहमी की तजावीज। हतमी फैसला पंजाब काबीना करेगी। रमजान बाजारों की बजाय टारगेट सब्सिडी देने पर भी गौर। पंजाब हुकूमत ने तखमीने के लिए 3000 तक के बिजली बिल वालों का डेटा मांग लिया। गैस बिलों में रिलीफ पर अमल दरामद। सार्फिन को बिलों की 3 अकसात के लिए गुरुमांगढ़ कस्टमर सर्विस सेंटर खोल दिया गया। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर 2000 की वाजिबुल अदा रकम पर 3 अकसात की सहूलत फराहम की गई है। लॉकडाउन से वाबस्ता मसाइल से सूरत हाल गंभीर। गुर्बत, बेरोजगारी, बेकारी से जराइम की शरह बढ़ेगी। CCPO ने खदशा जाहिर कर दिया। 15 रोज में 6300 मुकदमा दर्ज। मुख्तलिफ वजूहात पर 13 अफराद कत्ल, डकैती और राहजनी की 124 वारदातें रिपोर्ट हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कोरोना पर रिसर्च की मंजूरी दे दी। 44वें बोर्ड इजलास में रिसर्च पर अखराजात, हिफाजती किट्स की तैयारी के लिए हंगामी इकदाम, टेलीमेडिसिन रजाकारों के लिए 1 करोड़ बजट और नए प्रोग्राम्स की भी मंजूरी दी गई। VC डॉक्टर जावेद अक्रम ने बताया, पाकिस्तान में 19 सेंटर्स पर कोरोना मरीजों पर ड्रग्स के ट्रायल कर रहे हैं। महकमा लेबर इंसाफ सरकार में भी बदहाल। फैक्ट्रीज, दुकानों का डेटा है ना मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड। बड़े इंडस्ट्रियल हब में सनअतों की निगरानी के लिए सिर्फ 14 लेबर इंस्पेक्टर्स रजिस्टर्ड। 11 लाख मुलाजमीन में सिर्फ 5 लाख के सोशल सिक्योरिटी आर्काइव का इंकशाफ। महकमा मजीद 19 लाख मुलाजमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए भी वसाइल मुहैया करने में नाकाम। लॉकडाउन से मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद की जा रही है। तामीराती सेक्टर खोल दिया, जिससे शीशे की सनत भी खुल गई। वजीर सनत असम इकबाल की ग्लास इंडस्ट्री के ताजरों के वक्त से गुफ्तगु। वक्त को इंडस्ट्री के मसाइल पर गौर और उनके हल की यकीन दहानी करवाई। फीस कम ना करने वाले स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर तालीम पंजाब ने अल्टीमेटम दे दिया। तावुन ना करने वाले स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए फोन नंबर मुश्तहर कर दिए गए। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने फीस जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। फीस जमा कराने में तौसी की रियायत ग्रेजुएट तलबा को दी गई है। तलबा 5 जून तक पहली किस्त और 17 जुलाई तक दूसरी किस्त जमा करा सकेंगे। गंदम खरीदारी मुहिम शुरू। आज से बारदाना के लिए काश्तकारों से दरख्वास्तों की वसूली होगी।
बारदाना के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने की भी सहूलत मौजूद होगी। गंदम खरीदारी मराकज पर कंप्यूटर असासा की तायुनाती गैर कानूनी है, इनकार पर इंतबाती कार्रवाई असासा की तजवीज है। पंजाब टीचर्स यूनियन की जानब से इकदाम की मजम्मत, वजीर आला, वजीर तालीम और वजीर खुराक से नोटिस का मुतालबा। अरीना पार्क एंड शॉप प्रोजेक्ट मुसलसल नज़रअंदाज, स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबा खंडर बनने लगा। अदायगियां ना होने के सबब कॉन्ट्रैक्टर बैंक नादहिंदा हो गए। 1 अरब 50 करोड़ लागत वाला मनसूबे के तखमीनी अखराजात 2 अरब 9 करोड़ तक पहुँच गए। बाजार बंद मगर भाव आसमानों पर, सोने की फीतोला कीमत में मजीद 1000 रुपये का इजाफा। 24 कैरात फीतोला सोना 1,02,300 रुपये का हो गया। 22 कैरात की कीमत 93,775 रुपये मुकर। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। रिटेल मार्केट में मुर्गी का गोश्त 4 रुपये इजाफे से 187 रुपये फी किलो पर फरोख। फॉर्मी अंडे की कीमत 114 रुपये फी दर्जन पर मुस्तहकम। पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। 1 हफ्ते के दौरान हिरासत में लिए 913 गदागर, वार्निंग के बाद रिहा। 45 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कार डीलर्स ने हमेशा पीटीआई को सपोर्ट किया, आज हुकूमत डीलर्स के दिल से उतर गई है। लाहौर कार डीलर फेडरेशन की ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के अहदेदारान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीलर्स रहनुमा बोले, लॉकडाउन से कारोबार तबाह हो चुका, हुकूमत हमारा मौशी कत्ल ना करे और काम की जा सकते। इमरान हाशमी का फ्रंटलाइन स्क्वाड को खराज तहसीन पेश। कोरोना के खिलाफ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए तुझे सलाम के नाम से गाना रिलीज कर दिया। फरिश्तारों की जानिब से पसंदीदगी का इजहार। पुलिस के शहदा और फराइज अदायगी के दौरान जब हक होने वालों को खराज तहसीन पेश। CCPO ने SSP एडमिन से मिलकर लवाहकीन में 26 लाख रुपए तकसीम किए। लॉकडाउन के दौरान क्रिकेटर इमरान फरहत की मसरूफियात। घर की छत पर भाई और छोटे बच्चों के हमराह फिटनेस क्लब आबाद कर लिया। कसरत के साथ ट्रेनिंग और मशकें PCB फिटनेस टेस्ट की तैयारी करार दे दी। कौमी क्रिकेट अकेडमी की रीस्ट्रक्चरिंग का मंसूबा। PCB को अकेडमी के लिए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की तलाश। अखबारात में इश्तिहार जारी, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की अहलियत के लिए लेवल 2 को कोचिंग कोर्स की शर्त। गैर मुल्की क्रिकेटर को तरजीह दी जाएगी। पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। 1 हफ्ते के दौरान हिरासत में लिए 913 गदागर, वार्निंग के बाद रिहा। 45 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कार डीलर्स ने हमेशा PTI को सपोर्ट किया, आज हुकूमत डीलर्स के दिल से उतर गई है। लाहौर कार डीलर फेडरेशन की ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के अहदेदारान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीलर्स रहनुमा बोले, लॉकडाउन से कारोबार तबाह हो चुका, हुकूमत हमारा मौशी कत्ल ना करे और काम की जा सकते। पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। 1 हफ्ते के दौरान हिरासत में लिए 913 गदागर, वार्निंग के बाद रिहा। 45 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कार डीलर्स ने हमेशा PTI को सपोर्ट किया, आज हुकूमत डीलर्स के दिल से उतर गई है। लाहौर कार डीलर फेडरेशन की ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के अहदेदारान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीलर्स रहनुमा बोले, लॉकडाउन से कारोबार तबाह हो चुका, हुकूमत हमारा मौशी कत्ल ना करे और काम की जा सकते। इमरान हाशमी का फ्रंटलाइन स्क्वाड को खराज तहसीन पेश। कोरोना के खिलाफ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए तुझे सलाम के नाम से गाना रिलीज कर दिया। फरिश्तारों की जानिब से पसंदीदगी का इजहार। पुलिस के शहदा और फराइज अदायगी के दौरान जब हक होने वालों को खराज तहसीन पेश। CCPO ने SSP एडमिन से मिलकर लवाहकीन में 26 लाख रुपए तकसीम किए। लॉकडाउन के दौरान क्रिकेटर इमरान फरहत की मसरूफियात। घर की छत पर भाई और छोटे बच्चों के हमराह फिटनेस क्लब आबाद कर लिया।
कसरत के साथ ट्रेनिंग और मशकें पीसीबी फिटनेस टेस्ट की तैयारी करार दे दी। कौमी क्रिकेट अकेडमी की रीस्ट्रक्चरिंग का मंसूबा, पीसीबी को अकेडमी के लिए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की तलाश। अखबारात में इश्तिहार जारी, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की अहलियत के लिए लेवल 2 को कोचिंग कोर्स की शर्त, गैर मुल्क क्रिकेटर को तरजीह दी जाएगी।